अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब अस्सलामुअलैकुम, इससे पहले कोई टोक दे, ये मैं आई हूँ अलगज़ल मॉल, क्योंकि आज मैं वेस्टर्न ड्रेस पहनी हूँ तो इसलिए मैं सामने नहीं आऊँगी, सिर्फ मेरी आवाज़ आएगी। ये रिताज है, ये अरीशा है। अच्छा, मॉल हम शॉपिंग के लिए नहीं आते ऑलवेज, मुझे मसला हो गया है मेरी एमएस आईडी का, ये कम, जिस वजह से मुझे आना पड़ा है। तो मुझे अभी एमएस आईडी के लिए इमिग्रेशन ढूंढना है, कहाँ पर है इंफॉर्मेशन डेक्स, आई डोंट नो, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। सिक्योरिटी से पहले पूछूंगी, उसके बाद फिर नीताज सबको हाई करो। आप नीताज हेलो तो करो, नीताज का भी मूड नहीं है क्योंकि इनको नींद से उठा के मैं यहाँ पर आ गई। बस आप लोग दुआ कीजिएगा मेरा काम आज हो जाए, मैं बहुत ही परेशान हो गई इस वजह से। उन्होंने कहा है कि आप यहाँ से जाइए, जाने के बाद आप लीजिए फर्स्ट लेफ्ट देन राइट। लो जी, ये अलग इशू, वो कहने लगे पहले बाहर जाइए फिर वहाँ से लेफ्ट टर्न लीजिए। ये दोपहर की जो धूप है ना, बड़ी ख़तरनाक किस्म की है यहाँ पर। अभी हमें जाना है ढूंढते हुए, एक तो यहाँ पे लेडीज़ ऐसे ऐसे कपड़े पहन के आ जाती है ना कि मुझे बार बार हटाना पड़ता है। आई थिंक यही होगा फेडरल अथॉराइज फॉर आइडेंटिटी सिटीजनशिप, यस। यहाँ मेंटर हो रहे हैं, शायद यहाँ अलाउ नहीं है तो हम बंद कर देते हैं। देखो जरा अरीशा और रिताज दोनों मिलकर मुझे डांट रही हैं। अभी कड़कती भड़कती धूप में हम लोग बाहर घूम रहे हैं। कितनी गर्मी है, हम टनल में जा रहे हैं। जहाज की तरह गाड़ी जाती है, पाकिस्तान की तरह नहीं है ना, बारिश में हमारी टनल पूरी पानी पानी हो जाती है। यहाँ भी बारिश में ऐसे ही होता होगा, यहाँ बारिश ज्यादा नहीं होती है। पिछले 3 मिनट से हम खड़े हैं, हालांकि गाड़ी नहीं है। अब देखें सिग्नल ग्रीन हुआ है तो देन सिर्फ इतने से टर्न के लिए, इसे कहते हैं रूल रेगुलेशंस, जिसे लोग फॉलो करते हैं। ज़रा सा भी टर्न लेते ना उसी पर कैमरा लग जाता। ये देखें, इन्होंने देख ली आइसक्रीम, ये हमारा फेवरेट ब्रांड बास्किन रॉबिन्स चॉकलेट वनीला आइसक्रीम। ओके, वनीला चॉकलेट और वनीला, चॉकलेट वनीला, स्प्रिंगल्स कलरफुल वाले इनको चाहिए, रेम्बो वाले। कौन सी स्प्रिंगल्स है? रेम्बो रेम्बो स्प्रिंगल्स, ओके या वाजी वाह, अरे वाजी वाह, ओह इतनी सारी, वाह वाह, टी स्पून, वाह। आपकी आइसक्रीम आ गई, थैंक यू, बोलो बोलो, थैंक यू बोल दो, थैंक यू बोलो। मैं भी हर बॉडी पिंक हो गई है, पुलिस आ गई। अच्छा गंदी बच्ची है ना, पुलिस आ गई, बस जल्दी पकड़ लो हाथ से, हो रे मेरा बच्चा। अरीशा को डांट पड़ गई रिताज से, रिताज के ने हाथ से इन्होंने ले ली क्योंकि एलिवेटर पे कहीं गिर ना जाए, तो इन्होंने रोना शुरू कर दिया। ये आ गए हम, मुझे लेना है एक इलेक्ट्रिक स्टोव,
क्योंकि जो मेरे घर में चूल्हा है ना उससे प्रॉपर कुकिंग नहीं हो पा रही है। कुकिंग तो हो रही, रोटी छोटी नहीं बन रही। दो दिन बाद हस्बैंड ने आना है तो उन्होंने तो घर का ही खाना खाना है। आ इस वजह से अभी हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक स्टोव देखने आए, अल्लाह करे मिल जाए। आज मेरे हस्बैंड आ रहे हैं 15 को, शाम में 7 बजे पहुँच जाएंगे। तो जनाब मैंने उन्होंने मुझसे कहा कि क्या लाना है, मैंने कहा कुछ नहीं लाना, वो सब फजूल वेस्ट हो जाता है, बहुत सारा सामान मंगवाओ तो फिर दो देना पड़ता है। तो मैंने कहा कि आप ऐसा करिएगा मेरे यूट्यूब के लिए मुझे एक और मोबाइल चाहिए, तो आप मेरे लिए Note 21 लेके आ जाइएगा, या Note 20 या फिर S21। तो कहने लगा अच्छा तुम वहाँ जाओ सैमसंग का मुझे प्राइस लेके बताओ, देन मैं फिर देखता हूँ कि यहाँ पे कितने का है। इस 2 ईयर वारंटी, 2 ईयर वारंटी, 1 ईयर, ओके। इस S21 ये रहा, लेकिन Note 21 Ultra। व्हाट कलर यू हैव ऑन? मुझे कहे ना ये वाला सेट मेरे पास आ जाएगा इंशाल्लाह। ये वाला? यही वाला तो लुक सारा इलेक्ट्रॉनिक। हाँ ये रिंग लाइट है, जरूरत भी नहीं है हमें। हमें जूसर भी देखना था, हमें तो बस टेम्प्रेरी लेना है जूसर, क्योंकि घर में तो बहुत सारे, 3-3, 4-4 हैं। इंडक्शन पहले का तो जिसका खाली इंडक्शन कुकर है तो वो जलता था, इंडक्शन नहीं है तो जलता नहीं। आप वापस नहीं देंगे मेरा कमाल है, ये वाला क्वालिटी अच्छा वाला है। मेरा पास ये 4 साल हो गया, हमारा रूम में पूरा पाकिस्तानी है। अच्छा। हम लोग जो पूरा आदमी है पाकिस्तान में, बहरीन सऊदी इधर, हम लोग सब फैमिली में इधर। अगर नहीं जमा होगा तो वापस लेके आओ। आप हमें नया है जूसर, ये वाला आज हम बनाएंगे फ्राइड राइस। रात के हमारे पास चावल बचे हुए थे, हमने सोचा क्यों ना इसको फ्राइड राइस बनाएं। तो सबसे पहले हमने पिक की एक गाजर, अब हम पिक करेंगे बंद गोभी। खीरा ख़त्म हो गया, ले लेते रुक जाओ। ये एक और ये भी है गाजर और बंद गोभी, बंद गोभी और गाजर। शिमला मिर्च वहाँ सामने दाँत बहुत इरीटेट कर हो रही है, वो रही शिमला मिर्च। शिमला मिर्च एक साथ लेनी पड़ती, ये तो आ जाती है ना, मेरे को अच्छी नहीं लगती रेलवे वाले। कौन सी मजे की होते हैं बिल्कुल पर ग्रीन चाहिए, वो अलग अलग हूँ, ये तीनों एक साथ ही ले लेती हूँ ना, ग्रीन वाली लेना है। ले लो ले लो, अंकल जी टाइम खाना है ना। स्कूल जाना पड़ेगा, हम लेने आए हैं हरी प्याज, सोया सोया है ना ये, लाल साग, धनिया, और ये पत्ते वो खाते हैं अरबी लोग। हरी प्याज आलू बनाने या खाली हम कैसे कैसे बनाएंगे? फ्राइड राइस बनाएंगे ना, तो फ्राइड राइस तो बनाएंगे, हरी प्याज आलू बनाएं। हाँ रात में खाने के लिए
तो ये दो बंद बहुत है हमारी सेहत के लिए। और एक और ले लो, हरी प्याज तो बहुत मजे की लगती है, मेरी फेवरेट है। पिताजी वाले खाने ग्रेप्स देखो, रेड वाले ब्लैक वाले के होते हैं, ये वाले रेड वाले अच्छे, रेड वाले ओके ले लिए। हां ये स्टिक से ना कल के लिए बनानी है, लेकिन ये ब्राजीलियन है, ब्राजीलियन पाकिस्तान भी इसका है, ये ऑस्ट्रेलियन है। बट यहां पे ये बट भी मिलती है, उतनी जो होती है देखिए, ये बहुत साफ है, हां साफ सुथरी है, ये देखो ये जबान है, टंग टंग टंग। हाँ जी बैठू पे, हाँ जी बैठू। तो जनाब ये क्या है, और इस लेम बोन्स, ये बोन्स का क्या करना है, मैंने कुछ नहीं करना। अच्छा ये तो पोटे कौन खाता है, लीवर को तो खा लेते हैं, ये लीवर है। मैं आपको फ्रूट दिखाऊं, ये है पान सही, और ये क्या है ग्रैंडेला, पता नहीं कौन सा फ्रूट से, आपको डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट। अच्छा ये ना वैसा ही, ये डैमेज हुआ हुआ है, आई डोंट नो इसके अंदर क्या होता है। ये कीवी है, ये बहुत यमी होती है, ये एवोकाडो है, और ये क्या है सरसों, मुझे नहीं पता है कौन सा फल है। ये तो अपने अनार हो गए हैं, और ये कस्टर्ड एप्पल, ये कोई कस्टर्ड एप्पल है, मुझे नहीं पता ये क्या होते हैं। अच्छा जी मैंगो राउंड है, और एक ये भी कुछ है अजीब सा, पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता, आप लोगों में से किसी को पता है तो मुझे बताइएगा। ये देखिए बड़े मज़े का लग रहा है देखने में ना, स्टाइल की सलामी है, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, मज़े की होती है खाने में ना, ये बर्गर वगैरह में डालते हैं, लेकिन इसको अच्छे से ना उसको सोते करो या फ्राई करके ना, मतलब जब ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये हॉट डॉग है, ये रिताज बहुत शौक से खाती है। देन चलो ये डिफरेंट जो है वो ड्राई फ्रूट्स हैं सारे, देखिए हर तरह के। ये सारे स्पाइस हैं, ये देखिए जो हमारे वहाँ भी नहीं मिलते वो भी स्पाइसियाँ मिल जाते हैं, लेकिन देखने पड़ते हैं। भूख लग रही है, कुछ खाने को लूँ, रुको। कितनी भूख लग रही है, ज़्यादा लग रही है, थोड़ी थोड़ी लग रही है। अच्छा तेज़ वाली भूख लग रही है, चलो मैं देखती हूँ कुछ, रुको। क्या खाना है, डोनेट कौन सा वाला, पिंक वाला, गिव मी वन डोनेट, पिंक वन, पिंक या Only one piece, okay? दो, दो, ऐसा खाना है पाए, फ्रूट पाए? दो क्या करोगी? पिंक और शादी के लिए एक गिव मी वन। एक और भी। एक और किसके लिए बेटा? शादी के लिए। ऐसा भी के लिए आगे, थैंक यू बोलो। लुजली 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 थैंक यू बोलो। कोई बात नहीं, या या ओके 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 आई टेक इट, नो नो डैमेज नॉट, थैंक यू बोलो। यू लाइक इट, सेकंड करो जल्दी, सेकंड करो, या सी यू, बाय बाय कर दो, बाय बाय। चलो अब हमने क्या लेना है, ऐसे खाना है, मीठे से एलर्जी है तो खट्टा खा लो। वहाँ चलते देखते वहाँ क्या है, वन मिनट होल्ड डाउन, घर जाके पास्ता है या तो अच्छा चिकन बीफ
तो जी शवरमा ही ले लो। टू शवरमा रोल, टू शवरमा, चिकन शवरमा। या जनाब हमारा काम हो गया फिनिश। हमारी थोड़ी सी छोटू सी सब्जियाँ और एक हमारा ये हॉट प्लेट है। इधर ही आ जाओ, किधर? इधर, तो इधर ले लो आप, आ जाओ। ये हमारे शवरमे भी आ गए, बहुत तेज भूख लगी है, बहुत लंबी लाइन है अंदर। यहाँ पे सेल्फ हो जाता है लेकिन मुझे आता नहीं है सेल्फ करना। हाँ किसी दिन करूँगी तो हो जाएगा। हम लोग इधर आ जाते हैं, इधर इसके बाद वाले में भी नहीं है ज़्यादा सामान। ठीक है, हाँ ये आ जाए। ये देखो रिताज ने क्या लिया, कॉर्न भुट्टे। तेरी मम्मा में ऐसे ऐसे कैसे खाते हैं इसे? हाँ ऐसे ऐसे खाते हैं। क्या कह रही हो, क्या है आपके पास? भुट्टे हैं ये, अब खा लेना। ये कौन कौन खाएगा? एक मैं, एक मम्मा, एक आपने का टूटा हुआ और ये मेरा। अरे ये आपने का टूटा हुआ, कौन सा टूटा हुआ है? ऐसा भी वाला। अच्छा ये देख रहे, छोटा सा ये मेरा और ये छोटा सा होल हुआ हुआ है। तो कह रही है टूटा हुआ ये अरिशा अभी का है, ये एक मम्मा का, एक रिताज का। वेरी गुड। और डोनट किसका है? मेरा। और आपने और कुछ खाना है? बस हो गया, हो गया ना बेटा? हाँ वेरी गुड। अभी डैडी आएंगे ना, डैडी से बोलूँगी, इसने मेरा बहुत खर्चा करवाया, मुझे एक्स्ट्रा पैसे चाहिए। क्या लूँ? अच्छा आपके डैडी आने वाले हैं, आपके लिए क्या लाएंगे जल्दी बताओ। अभी फुली एक्साइटेड है, आज 12 तो हो गई है, 15 तारीख को हस्बैंड आ जाएंगे। अब क्या लेना है जी? नहीं अभी सीधे चलो। नहीं अब कुछ नहीं। कौन सा ये वाला? पहले आवा दो, आवा दे दिया। इतनी देर में हमारी टैक्सी नहीं आ रही थी, इतना रश हो रहा था। आखिर में हमने करिंग करी है, उसके बाद फिर हम निकले। मेरी आज भी थक गई, थक गई और भूख भी लग रही है। अब हमने शवरमा लिया था लेकिन खाया नहीं, अब रूम में जाके खाएंगे, होटल में। होटल में जाके खाएंगे, होटल में जाके खाएंगे। अच्छा हमारा जो घर है ना वो अपार्टमेंट है लेकिन वो होटल अपार्टमेंट है, इसलिए कंफ्यूजन होती होगी सब लोगों को। कभी हम कहते हम घर जा रहे हैं, कभी कहते हम होटल में, तो वो होटल अपार्टमेंट है अपार्टमेंट लेकिन होटल स्टाइल में। अच्छा जनाब ये देखिए मेरे राइस बचे हुए थे, ये कल के हमारे जो हमने कीमा आलू बनाया था, तो ये राइस बचे थे तो हमने बाउल में करके रख दिए थे। ये डिस्पोजेबल है, इसमें शायद कुछ खाना शाना आया था तो हमने संभाल के रख दिया था। ये थोड़ा सा चिकन है, ये मेरी वेजिटेबल्स हैं, इसको कट करने में बहुत टाइम लगा क्योंकि सब मैंने छुरी से वैसे ही कट किया है। घर में तो वो मशीन होती तो फटाफट कट हो जाता है उससे। तो ये दो अंडे हैं बस। ये हमारे जो राइस है इसको आज हम फ्राइड राइस बना देंगे ताकि हमारी रात के खाने की छुट्टी। अरिशा मेरी हेल्प कर रही है, मुझे पतीला निकाल दिया। शॉर्ट कट बनानी है, ऑन है वीडियो। अच्छा देखिए मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के फिर चिकन डाल दी है और ये बड़े फास्ट तरीके से मेरी बनेगी। अभी मुझे अपना किचन बड़ा याद आ रहा है, हम लोगों को किचन बहुत याद आ रहा है। हमारे किचन माशाल्लाह वो आपने देखा ही है, घर का काफ़ी बड़ा है। और जब अपना जो रेगुलर यूज सहूलत की हर चीज़ है हमारे किचन में, वो ये होता है कि जब आप कोई जगह यूज़ कर रहे होते हैं ना जहाँ पे परमानेंट रहते हैं तो ज़्यादातर हर चीज़ अपने तरीके के हिसाब से आप सेट करते हैं। अब यहाँ तो ये तो मतलब वो कहते हैं ना सराय में रह रहे हैं, हाँ सराय में रह रहे हैं। नहीं अब ऐसा नहीं है, वो तो अकोमोडेशन तो एक्सपेंसिव है लेकिन फिर भी फैसिलिटीज कुछ नहीं है। फैसिलिटीज के लिए तो अभी हमें काफ़ी टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, अपना पैसा खुद ही खर्च करना पड़ता है। हाँ तो ये इसको बस 2-3 मिनट मैंने इसमें से सोते करना है, इसका कलर चेंज होना होगा तो फिर हमने इसको निकाल लेना है प्लेट में और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। वीडियो में बिल्कुल शॉर्ट से बनाऊंगी इसकी क्योंकि ऑलरेडी मेरा पिछला ब्लॉग भी काफ़ी हो गया है।
चिकन का कलर चेंज हो गया है। अब ऐसे निकालना जिसमें हल्का सा ऑयल होना नीचे ही रह जाए। मैं एक ही पॉट के अंदर पूरा काम ख़त्म कर लेती हूँ। अच्छा, आप लोगों को अगर जैसे बहुत सारे खाने ऐसे होते हैं, मुझे उसको कन्वर्ट करना बहुत अच्छे से आता है कि हम कुछ भी पकाते हैं और खाना बच जाता है, तो प्लीज़ बचे हुए खाने को कभी वेस्ट नहीं किया करें। उस खाने को हम नया शेप दे सकते हैं, नई लुक दे सकते हैं और नया टेस्ट दे सकते हैं, जो खाने में भी अच्छा लगेगा। तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, रात की रोटी भी बच जाए, ब्रेड बच जाए, दाल बच जाए, किसी भी तरह की कोई सब्ज़ी बच जाए, तो उसको हम किस तरह दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, ये सब शेयर करेंगे जी, अगर ये लोग चाहेंगे तो। क्योंकि ये तो मेरा बेसिकली कुकिंग चैनल है, तो ये कुकिंग चैनल है, तो अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन आप लोग मेरी ब्लॉगिंग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, कुकिंग में मेरे इतने अच्छे व्यूज़ नहीं आते थे जितने अच्छे ब्लॉगिंग पे आ रहे हैं। तो अगर आप लोगों को ब्लॉगिंग ज़्यादा पसंद है तो फिर मैं ब्लॉगिंग ही ज़्यादा करूँगी। मेरे पास एक ऑलरेडी कुकिंग का चैनल है, मैं इंशाल्लाह कल के ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने इसी तरीके से हल्का सा जो ऑयल था उसी के अंदर डाल के अच्छे से कर देना, ये बारीक बारीक पीस हो जाएंगे। ये देखिए अरिशा चेंज करने चले गई क्योंकि हम बाहर से आए थे, मैंने तो अभी चेंज कर लिया लेकिन उसमें अभी तक नहीं हो गया। ये देखिए अच्छे से हो गया, अब इसको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए ये अंडे वगैरह डालना आपको वो है कि अगर आपने डालना है तो डालें, वरना कोई परमानेंट नहीं है कि आपने इसको डालना ही है। बस थोड़ा सा हमने ऑयल लिया है, इसमें हम डालेंगे ये हमारी जो लहसुन हमने हरी प्याज का जो अंदर नीचे का हिस्सा कहेंगे या ऊपर का जो वाइट वाला पार्ट होता है ना वो, और साथ में लहसुन है, बस ये हम इसमें डालेंगे। अच्छा, हमने इसको लाल नहीं करना, सिर्फ सोते करना है, बाकी चीज़ें हम ऐड करेंगे, फटाफट ये हमारा तैयार हो जाएगा। इसमें अब हमने डाल देनी है बंद गोभी, ये ज़्यादा कुक नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा सा कुक होता है, कितने कलरफुल सी वेजिटेबल्स हैं। सबसे ज़्यादा ग्रीन प्याज अच्छी लगती है, हाँ ग्रीन प्याज वैसे भी लास्ट में देती है। हम डाल देंगे चिकन, ताकि चिकन में अगर थोड़ी सी कसर भी हो तो इसमें पक जाए, बस उसको हम कर देंगे कवर 5 मिनट के लिए, तब हो जाए गल जाए। अभी इसमें हमने कुछ भी नहीं डाला है, इसे हम डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, ये चावल में सॉल्ट है तो फिर हमें सब्जियों के हिसाब से डालने हैं, मतलब सॉल्ट ज़्यादा हो जाएगा। और ये है हॉट सॉस, इसको हमने देख के डालना क्योंकि यहाँ बहुत तेज वाला है, ये तो निकल ये मेरे साथ खेल रहा है ना, खेल बच्चे आ जा आ जा आ जा आ जा, बस ज़्यादा डालेंगे तेज हो जाएगा, तेज हो जाएगा तो रिताज नहीं खाएगी। साथ में ये एक बड़ा चम्मच भर के हमने सोया सॉस डाला, 1.5 चम्मच, और जो ये विनीगर है वाइट विनीगर ये हमने डालना है, बिल्कुल ज़्यादा हो गया बस, ठीक है बस मैंने कम कर दिया थोड़ा इसे। अब इसमें मैंने डाल दिया, अगर आप काली मिर्च डालना चाहें तो काली मिर्च डाल दें, फिर मैंने थोड़ा सा जो है वाइट पेपर डाल दिया, मेरी पाकिस्तानी सही वाइट पेपर भी हो गया, ये भी हो गया। अब इसमें हम ऐड करेंगे शिमला मिर्च, शिमला मिर्च तो ज़्यादा नहीं पकाते क्योंकि फिर वो बहुत नरम से रिची हो जाती है। ये अब हम इसमें डाल देंगे हरी प्याज डाल के हमने 2 चम्मच चला है, देन हम इसमें ऐड करेंगे अपने राइस बहुत सारे थोड़े एक पोर्शन था। यहाँ पे हम लोग इतने सुगढ़ हो गए ना कि कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करें, इवन के जो ना खाना आ रहा है ना कंटेनर बच्चे हैं वो भी रखें, क्योंकि अभी हमारे पास क्रॉकरी पूरी नहीं है, तो जब तक जो है हम अंडे डाल दिए, अंडों को थोड़ा सा ये देखो क्या मज़े का कलर आया, ये हमारे कल वाले चावल भी यूज़ में आ गए और
इनको नया टेस्ट भी मिल गया। और आज किया हमारे डिश तैयार हो गए। हाँ जी, अब इसको मैं हल्के आँच में थोड़ा दम में रख दूँगी क्योंकि चावल ठंडे थे, उनको थोड़ा सा दम लगेगा। साथ में जो हमने हरी प्याज और जो शिमला मिर्च डाली है वो भी थोड़ी सी कुक हो जाएगी। तो चले मैं फाइनल लुक दिखाती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से इजाज़त लूँगी। ठीक है, वेट करें। ये देखें हमारी गर्मा गर्म से जो राइस हैं तैयार हो गए। ये देखिए कल के राइस थे जो आज यूज़ में भी आ गए, उनको नया टेस्ट भी मिल गया। इंशाल्लाह फिर कल के ब्लॉग में दोबारा से हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को थोड़ा सा लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुँचे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।